सो हाय गाइस, कैसे हो सभी लोग। वीडियो को लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। नोटिफिकेशन बेल को अभी तक ऑल पे सेट नहीं किया तो कर दो, ठीक है गाइस। WWE से रिलेटिव, AEW से रिलेटिव इधर रियल कंटेंट मिलता है, फेक कंटेंट नहीं, ओनली रियल कंटेंट और मिलता रहेगा। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है गाइस। आज मैं आप लोग को मंडे नाइट रॉ के हाईलाइट्स पर रिव्यू करने जा रहा हूँ, क्या कुछ हो सकता है WWE के आने वाले मंडे नाइट रॉ में, यानी कल के मंडे नाइट रॉ में। तो वीडियो के अंदर बताऊँगा, वीडियो कर दो लाइक एंड एंड तक देखना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते, ठीक है गाइस। जैसे कि आपको मालूम रहेगा, कल के WWE मंडे नाइट रॉ में हमें रेड एडार सुपरस्टार भी एज भी देखने को मिलेंगे और एज स्टाइल्स भी देखने को मिलेंगे। द रेड एडार सुपरस्टार ने यह मंडे नाइट रॉ में पहले वाले मंडे नाइट रॉ में चैलेंज दिया था, कौन मेरा चैलेंजर हो सकता है। रेसलमेनिया 38 का अपोनेंट WWE वालों ने सीधा ये टीस कर दिया और कंफर्म कर दिया है कि हमें इनकी राइवलरी स्टार्ट देखने को मिल चुकी है स्टार्ट होते हुए, और इनकी फ्यूड भी स्टार्ट होते हुए दिखाई दे चुकी है हमें। रेटेड आर सुपरस्टार वर्सेस एजे स्टाइल फॉर रॉ टू रेसलमेनिया 38, इनका आगे चल के मैच भी कंफर्म हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ अपने आप से और कंफर्म न्यूज़ बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैच हो जाएगा कंफर्म, यही मंडे नाइट रॉ के लिए होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले करके हो जाएगा, ठीक है। कल के मंडे नाइट रॉ पे हमें हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्लॉक लेसनर भी कल मंडे नाइट रॉ पे दिखाई देंगे, ठीक है। कल उन्हें कौन चैलेंज करता है WWE चैंपियनशिप मैच के लिए। 5 मार्च को एक प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है, यानी लाइव इवेंट होने वाला है एक, ठीक है। अलग कौन से इधर से होएगा, तो पॉल हेमन ने क्या है कि मैं एक ब्लॉक लेसनर के लिए सुपरस्टार लेके आने वाला हूँ कल मंडे नाइट रॉ में, या फिर लाइक फिर सुपरस्टार दूसरा कोई होए छोटा मोटा कल के मंडे नाइट रॉ में, जो 5 मार्च के लिए कन्फर्म करे हमारे ये ब्लॉक लेसनर को WWE चैंपियनशिप मैच के लिए, ठीक है गाइस। अगर कल एक बड़ा सुपरस्टार रिटर्न करता है तो मेरे को एक बहुत शॉकर रहेगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट चलते, और ये है जेथ रॉलेंस। कल के लिए जेथ रॉलेंस भी कन्फर्म है, क्योंकि इन्होंने एक नंबर वन कंटेंडर मैच हुआ था रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, ठीक है, जहाँ पे रेडी ऑन टर्न हार जाते और आर के ब्रो हार जाते, और ये वाले मैच को और कोई नहीं जीत जाते, ठीक है गाइस। बल्कि और ये वाले मैच को और कोई नहीं जीतते, केविन ओवन और हमारे जीत जाते जेथ फिकिंग रॉलेंस। ये नंबर वन कंटेंडर बन चुके और इन्हें रॉ टैग टीम चैंपियनशिप का मौका मिलेगा रेसलमेनिया 38 को, ठीक है। रेसलमेनिया 38 में इनका मैच देखने को मिलेगा, ठीक है गाइस, मतलब रॉ टैग टीम चैंपियनशिप मैच के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो को भी करना लाइक, चैनल को भी करना सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी करना ऑल पे सेट, ठीक है गाइस। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आके, तब तक अगले वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना।